नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा। आज हम बात करेंगे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों की। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। जोधपुर के भड़ला में 10,000 एकड़ जमीन पर सोलर पार्क बनाया जा रहा है। 10,000 एकड़ बंजर भूमि अब सौर ऊर्जा की खान नजर आती है। भड़ला गांव देश के नक्शे पर सोलर हब बनकर उभरा है। इस सोलर पार्क से रोजाना 25 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। ऐसे में घर घर बिजली से रोशन होगा और लोगों को कोयले से भी सस्ती बिजली मिलेगी। रेगिस्तान में थार मरुस्थल के बीच बन रहा देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भारत का सबसे बड़ा प्रयास है। रेगिस्तान के धोरों ने कभी नहीं सोचा होगा कि सालों तक बिजली की रोशनी से दूर रहा यह इलाका एक दिन देश को कोयला उत्पादित बिजली से भी सस्ती बिजली आपूर्ति करने के काबिल बन जाएगा। वहीं सिरोही के आबू रोड में शांतिवन के पास 55 एकड़ जमीन में सूर्य की रोशनी से पहला थर्मल पावर प्लांट बन रहा है। यह परियोजना करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से एक साल में बनकर तैयार होगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता में इजाफा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर के भड़ला में 10,000 एकड़ जमीन पर सोलर पार्क बनाया जा रहा है। इस सोलर पार्क में रोजाना 25 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। ऐसे में घर घर बिजली से रोशन होंगे और लोगों को कोयले से भी सस्ती बिजली मिलेगी। भड़ला सोलर पार्क स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक सबसे बड़ा प्रयास। 10,000 एकड़ में फैली ये बंजर भूमि अब सौर ऊर्जा की खान है। अब दूसरे राज्यों को भी बिजली देगा राजस्थान। रेगिस्तान में थार मरुस्थल के बीच बन रहा देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भड़ला में बन रहा सोलर पार्क स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भारत का सबसे बड़ा प्रयास है। इस सोलर पार्क को बनाने में 1000 से ज्यादा इंजीनियर, टेक्नीशियन और मजदूर 24 घंटे यहां काम कर रहे हैं। जब यह सोलर पार्क पूरी तरह से शुरू हो जाएगा तो इसमें 2255 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। फिलहाल यहां सूरज की रोशनी से 480 मेगावाट बिजली तैयार हो रही है। रेगिस्तान के बीच में भड़ला एक ऐसी जगह है जिसका नाम कम ही लोगों ने सुना होगा। यहां सैलानी भी नहीं पहुंचते और कम बारिश के चलते खेती भी ना के बराबर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भड़ला को लेकर इन दिनों चर्चाएं हैं। जोधपुर थार के रेगिस्तान का प्रवेश द्वार है। जोधपुर से शुरू होकर थार का रेगिस्तान पाकिस्तान के अंदर मीलों तक फैला हुआ है। यह इलाका बंजर है। जोधपुर से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर फलोदी और बाप के पास है भड़ला सोलर पार्क। यह पूरा इलाका अब सोलर एनर्जी का हब बन चुका है। इसमें लगे प्लांट रोजाना 50 लाख यूनिट सोलर एनर्जी बना रहे हैं। आने वाले दिनों में यह बिजली का उत्पादन दुगना यानी 1 करोड़ यूनिट रोजाना हो जाने का अनुमान है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भड़ला में बन रहा सोलर पार्क स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भारत का बड़ा प्रयास है।
10,000 एकड़ यानी 40 वर्ग किलोमीटर रेगिस्तान के बीच में फैली ये बंजर भूमि अब सौर ऊर्जा की खान है। यहाँ से दूर दूर तक जहाँ तक नजर पहुँचती है सिर्फ सूरज की रोशनी को कैद करने वाले सोलर पैनल दिखाई देते हैं। यूपी के हजारों घर रोशन करेगी राजस्थान की बिजली। यूपी सरकार जल्द करेगी पीपीओ। यहाँ काम कर रही हजारों लोगों की टीम की मेहनत का नतीजा है कि यहाँ 11 सोलर प्लांट्स ने काम शुरू कर दिया है और सभी जगहों से बिजली एक ग्रिड पर आती है। इससे एकत्रित होकर 400 किलोवाट के ग्रिड सब स्टेशन से ऊर्जा पूरे राज्य में पहुंचाई जाती है। यहाँ की संभावनाओं को देखते हुए ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है ताकि यहाँ से बिजली उन राज्यों तक पहुँचे जहाँ इसकी जरूरत है। और अब राजस्थान की बिजली से यूपी के हजारों घर रोशन होंगे। यहाँ 500 और 250 मेगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन करने वाली इन यूनिट से उत्तर प्रदेश सरकार बिजली खरीदेगी। यूपी सरकार जल्द ही इसका पीपीओ करेगी। यहाँ लग रहे इन दो प्लांट्स के काम की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इन प्लांट्स पर करीब 3,000 करोड़ रुपए का खर्चा आना है। इसके लिए प्लांट लगाने वाली कंपनियां यहां निवेश करेंगी। इन सोलर प्लांट्स को लेकर भड़ला एक बार फिर देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सुर्खियों में है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड यानी कि RICL की देखरेख में भड़ला में सोलर एनर्जी कारपोरेशन के मार्फत कंपनियां 2 सोलर प्लांट लगाएंगी। तीसरे फेज में 500 मेगावाट का प्लांट लगेगा जबकि चौथे फेज में 250 मेगावाट का दूसरा प्लांट लगेगा। इन प्लांट से उत्पादन होने वाली बिजली के लिए 765 किलोवाट के पावर ग्रिड सब स्टेशन पहुंचेंगे। वहां से लाइनों के माध्यम से ये बिजली उत्तर प्रदेश भेजी जाएगी। अगले कुछ दिनों में इसके लिए टेंडर भी जारी होंगे। राजस्थान का भड़ला गांव देश के नक्शे पर सोलर हब बनकर उभर रहा है। रेगिस्तान क्षेत्र होने के चलते यहां 50 डिग्री तापमान रहता है जो सोलर एनर्जी के लिहाज से सबसे उपयुक्त है। यहां टाटा, अडानी और अंबानी की कंपनियों ने सोलर प्लांट लगाने के लिए समझौते किए हैं। रेगिस्तान के धोरों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सालों तक बिजली की रोशनी से दूर रहा ये इलाका एक दिन देश को कोयला उत्पादित बिजली से भी सस्ती बिजली आपूर्ति करने के काबिल बन जाएगा। भड़ला सोलर पार्क के लिए हाल ही में 12 मई को हुई बिड में 2.44 रुपए प्रति यूनिट बिजली उत्पादन का PPA पावर परचेज एग्रीमेंट किया गया है जो कोयले से उत्पादित बिजली की औसत दर से काफी सस्ती दर है। लिहाजा भड़ला सोलर पार्क बिजली उत्पादन के साथ ही देश में सबसे कम दरों पर बिजली उपलब्ध करवाने के लिए नया इतिहास रचने जा रहा है। ये टैरिफ रेट कुछ यूं गिरी है। साल 2009-10 में कई सौर ऊर्जा कंपनियों का PPA 17-18 प्रति यूनिट था। साल 2012 में ये 10-15 रुपए प्रति यूनिट रहा जबकि साल 2013-14 में ये 6-7 रुपए प्रति यूनिट पहुंच गया। साल 2015-16 में 8-9 रुपए प्रति यूनिट तक था जबकि हाल ही में 2.44 रुपए प्रति यूनिट तक ये आंकड़ा पहुंच गया। सोलर पावर विशेषज्ञों का कहना है कि यहां शुरुआती समय में साल 2009-10 में कई सौर ऊर्जा कंपनियों का PPA 17-18 रुपए प्रति यूनिट था।
जबकि साल 2012 में 10 से 15 रुपए प्रति यूनिट और साल 2013-14 की बात करें तो ये 6 से 7 रुपए प्रति यूनिट था। साल 2015-16 में इसका आंकड़ा 8-9 रुपए प्रति यूनिट रहा, लेकिन हाल ही में भड़ला सोलर पार्क के लिए हुई बिडिंग प्रक्रिया में एक्मे ने 200 मेगावाट के लिए 2.44 रुपए प्रति यूनिट और सॉफ्ट बैंक ने 300 मेगावाट के लिए 2.89 रुपए प्रति यूनिट की बिड जीती है, जो अब तक की सबसे कम टैरिफ रिकॉर्ड की गई है। कभी इस इलाके के किसी घर में बिजली होना रईसी की निशानी माना जाता था। सरकार के लिए भी दूर दराज के गांवों और ढाणियों में बिजली के खंभे और तार पहुंचाना काफी खर्चीला काम था, लेकिन अब भड़ला सोलर पार्क देश की सबसे सस्ती बिजली पैदा कर रहा है। अभी हुए एक एग्रीमेंट के अनुसार भड़ला सोलर पार्क में 2.44 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली पैदा की जा रही है। इससे पहले तक देश में सबसे सस्ती बिजली कोयले से पैदा की जाती थी, जिसकी रेट 3.20 रुपए प्रति यूनिट थी। सरकार के द्वारा जो बिल्डिंग की गई है उसमें 2.44 में भड़ला सोलर पार्क में कुछ प्रोजेक्ट डेवलप किए गए हैं, जो कि अगर दूसरे सोर्सेस जो इलेक्ट्रिसिटी से कंपैरिजन किया जाए, हाइड्रो, कोल, विंड, तो उससे सबसे कम रेट 2.44 भड़ला सोलर पार्क के लिए फाइनल हो गया। ये रेट सबसे कम होने की वजह से पूरे देश को इस रेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगी, जो कि पूरे देश और लोगों के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। और इस इलेक्ट्रिसिटी इस सोलर पार्क की वजह से हल्दी बाप और जोधपुर में सबसे ज़्यादा प्लांट होने की वजह से लोगों का एजुकेशन की तरफ बहुत रुझान बढ़ा है, जो कि कुछ साल पहले जो एजुकेशन की तरफ ये सबसे पिछड़ा माना जाने वाला जो एरिया था उसमें लोग एजुकेशन की तरफ बहुत बढ़े हैं और इनसे लोगों में रोजगार और एजुकेशन के प्रति बहुत प्रतिस्पर्धा और उसकी तरफ आगे बढ़ने की गुंजाइश हमने। तो राजस्थान का भड़ला सोलर पार्क सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध करवाने वाला होगा। नीलामी में निजी कंपनी ने 2.44 रुपए प्रति यूनिट में ये बिड जीती है। सोलर पार्क का क्षेत्रफल करीब 10,000 एकड़ में फैला है। इनमें से 420 मेगावाट निर्माणाधीन है। सोलर पार्क से प्रतिदिन उत्पादन करीब 25 लाख यूनिट का होगा और आसपास के इलाके में स्थापित संयंत्र करीब 570 मेगावाट तक के हैं। फलोदी इलाका भीषण गर्मी के लिए बदनाम है। गर्मी के दिनों में लोग इस इलाके में जाने से कतराते हैं। अब यही भीषण गर्मी इस इलाके को ख्याति दिला रही है। देश की ही नहीं विदेश की अनेक कंपनियां भी इस इलाके में सोलर प्लांट लगाने के लिए यहां का रुख कर रही है। फंडा यह है कि सूरज की तपिश जितनी ज़्यादा होगी बिजली भी उतनी ही ज़्यादा बनेगी। भड़ला में बन रही सोलर पार्क ने स्थानीय लोगों को आजीविका के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। इस इलाके में पहले पशुपालन के अलावा आजीविका का कोई साधन नहीं था। कुछ लोग सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे तो कुछ लोग खेती पर निर्भर थे और जो पढ़े लिखे हैं अब उन सबको इस सोलर पावर प्लांट के चलते नौकरियां मिल रही हैं। साथ ही राजस्थान का भड़ला सोलर पार्क देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक रहा है। फलोदी से महेश सोनी और जोधपुर से ललित परिहार, इंडिया न्यूज राजस्थान। चलिए यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।